शहर के लिए आज फिर वही दिन था, एक आम दिन। मैं इस बेहद सुंदर सफ़र में 25 साल से जी रहा हूँ, जिसका नाम है शादी। लाइफ में इच्छा होती है कि उसकी वाइफ जो है खूबसूरत हो, गुड लुकिंग हो, वेल बिहेव्ड हो। तो मेरा भी सपना था कि मेरे को भी लाइफ में मेरी जो पार्टनर मिले वो अच्छी गुड लुकिंग हो और ना खूबसूरत तो है ही, साथ में हंसमुख उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है जो आज भी एज इट इज़ है। तो वो सब चीज़ें मेरे को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। 25 साल में हर तरह के अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, स्ट्रगल भी किया शुरुआत में और आज अच्छी पोजीशन में है, नौकरी में भी अच्छी पोजीशन में, हर तरह से अच्छा है। लेकिन जब अगर पुराने ज़माने को देखते हैं तो उस टाइम पे जो जो चीज़ें याद आती हैं शुरुआत में, जैसे शादी के टाइम पे मेरे फादर इन लॉ तैयार नहीं थे शादी के लिए, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब कंपनी में जॉब करता था और जॉब भी मेरा बाहर था, बीकानेर पोस्टिंग थी। तो वो चाहते थे कि लड़का जयपुर में ही नौकरी करे, जो कि हर फादर चाहता है सिक्योर नौकरी हो। उस टाइम पे प्राइवेट जॉब को इतना अच्छा समझा नहीं जाता था, लेकिन वंदना ने मेरा उस टाइम पे भी साथ दिया। और जो सफ़र हम लोगों ने अभी 25 साल में तय किया, मेरे को हर जगह उसका साथ मिला। शादी को इतने साल होने जा रहे हैं, 25 साल, क्या बदलाव आया वंदना दीदी की जिंदगी में? अपने लिए कुछ नहीं निकालती है, सारा उसने अपनी जिंदगी का अभी तक का टाइम जो मेरे साथ गुजारा रहा है पूरा परिवार को दिया है। आज भी संडे को भी वो फ्री नहीं होती है, संडे को भी मैं बोलता हूँ रेस्ट करो, लेकिन वो मतलब सुबह से शुरू होती है, शाम कब रात हो जाती है पता नहीं चलता है। तो वो जो लाइफ को उसको एंजॉय करना चाहिए मेरे हिसाब से अभी तक उसने पूरी तरह एंजॉय नहीं किया है। पूरा टाइम उसने हमको, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को दिया है, मम्मी को दिया है, पापा को दिया है, सबको दिया है, मेरे को छोड़ो अपने परिवार को भी, जो अभी जितने भी रिश्तेदार हैं सबको उतना ही सम्मान देती है, उतना ही टाइम देती है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके चेहरे पे कभी भी शिकन नहीं आती है। मैं थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कई बार चीज़ों में, लेकिन मैंने कभी उसके चेहरे पे वो चीज़ ही नहीं देखी, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है। बहुत प्राइवेट चीज़ है ये मुश्किल शेयर करना बहुत मुश्किल है, ये चीज़ ऐसी है कि आप पब्लिकली किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये हमारे दोनों के बीच में। लेकिन मैं वंदना को इतने साल मेरे साथ निकालने के लिए लाइफ में धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो रहेगी और हमेशा है शुरू। तो क्या मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ यार मेरे ब्रदर जो राजू भैया हैं वो गए वहाँ पर, देख के उनको लगा कि स्मार्ट हैं, पर्सनैलिटी वही बहुत अच्छे अच्छे लंबे, जो कि मेरी एक राह था मुझे कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए कि लंबा हो, कोई खूबसूरत सा हो, मोटर बाइक हो उनके पास। कार का मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन हाँ बाइक होनी चाहिए, तो ये सब क्वालिटीज़ थी। तो मुझे राजू भैया ने बोला, फिर मम्मी ने मुझसे पूछा, जब ये लोग चले गए तो मम्मी ने मुझसे पूछा कैसे लगे, मैंने बोला बहुत अच्छे लगे, मैंने कहा पसंद है, मैंने कहा हाँ पसंद है। मम्मी का रिएक्शन था कि ये कौन होती है पसंद करने वाली तो दिल के इतने अच्छे हैं कि हर के लिए ये करने की कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह से इसकी हेल्प करूं, और कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। लेकिन अभी ये है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, बच्चों की भी है, हस्बैंड की भी है, तो मुझे ऑफिस का भी काम है, तो बाहर का सब्जी जब भी कुछ लाना है तो सामान वगैरह लाना है वो मैं करती हूँ अपनी पूरी। तो एक टोटली लाइफ जो मेरी है वो घर, ऑफिस, बच्चे और मेरे फैमिली मेंबर्स, इन सब में इतनी हो चुकी है कि मैं इसी में बहुत खुश रहती हूँ। 25 साल हो चुके हैं मतलब, तो मेरे लिए और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये
दिन, तो मैं आज वंदना के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो वो मेरे से उम्मीद नहीं लगा सकती कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। वो इस सरप्राइज को देख के बहुत खुद भी सरप्राइज होगी। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे, रास ना आया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजे, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजे, कह रहा उसे मयसर कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आंच बाकी है, वो जो दबी सी आंच बाकी है, वो जो दबी सी को है ये मंजूर क्या कीजे, गवानी दली दली किस्मत को मत को है ये मंजूर क्या कीजे, मिलते रहे हम बादस्तूर क्या कीजे, दिल कह रहा है उसे मुसलसल कर भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है। जो रुकी सी चाह बाकी है।